के लिए उसे क्या क्या क्वेश्चन से फेस करना पड़ेगा, क्या क्या तैयारियां उसको करनी पड़ेगी, उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है दोस्तों। देखिए, इंटरव्यू के लिए सबसे पहले आप जाएंगे, तो मान के चलिए ओटी टेक्नीशियन के अप्लाई के लिए गए हुए हैं, तो ओटी टेक्नीशियन के लिए सबसे पहले आपसे क्या पूछेगा, वो पूछेगा आपका नाम क्या है, नाम बताएंगे, क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन बताएंगे, कहाँ काम किया हुआ आपने ये पूछेगा, इसको बताएंगे, कितने बेडेड का हॉस्पिटल है ये पूछेगा, ये बताएंगे, आपने किस किस ओटी में काम किया हुआ है ये पूछेगा, इसको आप बताएंगे, आपने मैं इसी ओटी में काम किया हूँ, ठीक है। तो आपको सबसे अच्छा कौन सा डिपार्टमेंट, वैसे ज़्यादातर ओटी वाले के, ओटी जो टेक्नीशियन होता है उसको एनेस्थीसिया साइड ही वर्क मिलता है, एनेस्थीसिया साइड जो होता है, एनेस्थेटिक जो होता है उसको असिस्ट करता है, ठीक है। तो एनेस्थीसिया साइड सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करेगा कि आपका जो एक्सपीरियंस है सबसे ज़्यादा जो है आपका किस साइड में, एनेस्थीसिया या स्क्रब साइड में, तो आप बोलेंगे एनेस्थीसिया साइड में, अगर आपने किया हो तो एनेस्थीसिया साइड बताएंगे, आप एनेस्थीसिया साइड में हो सर, ठीक है। तो वो पूछेगा आपके पास कौन सी एनेस्थीसिया मशीन है, आपके पास जिस भी कंपनी का आपने एनेस्थीसिया मशीन यूज किया हुआ है वो कंपनी का नाम बताएंगे, ठीक है। इसके बाद पूछेगा कि टाइप ऑफ एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया कितने प्रकार का होता है, तो मैं आपको अपने पिछले वीडियो में मैं आपको बताया हूँ कि एनेस्थीसिया कितने टाइप का होता है, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। जनरल एनेस्थीसिया में मैंने सारा कुछ बताया हुआ है उसमें, ठीक है दोस्तों। तो बताएंगे आप एनेस्थीसिया कितने टाइप का होता है, पूछेगा वो क्या क्या नाम है वो भी पूछेगा, जनरल एनेस्थीसिया हो गया, स्पाइनल एनेस्थीसिया हो गया, लोकल एनेस्थीसिया हो गया, रीजनल एनेस्थीसिया हो गया, ठीक है दोस्तों। और यही चार टाइप के एनेस्थीसिया, इतना भी बता दोगे तो बहुत है। दूसरा आपको पूछेगा वो कि जनरल एनेस्थीसिया में क्या क्या मेडिसिन यूज होता है, जनरल एनेस्थीसिया में क्या क्या मेडिसिन यूज होता है ये पूछेगा, ये पूछेगा। तो जनरल एनेस्थीसिया में जो जो मेडिसिन होता है आप लोग उसको देख लीजिएगा कि सबसे पहले क्या क्या है, स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप बताओगे तो जो एग्जामिनर होगा उसे भी समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ है, ये नहीं कि सबसे पहले आप बता दिए कि प्रोपोफोल यूज किया जाता बाद में बता रहे स्कोलिन यूज किया, ऐसे नहीं, स्टेप बाय स्टेप अगर आप बताओगे तो एग्जामिनर को समझ में आएगा कि हाँ ये लड़का जो है अच्छे से प्रिपरेशन किया हुआ है, अच्छे जगह काम किया हुआ है। सबसे पहले स्टार्टिंग में आप बताओगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनेस्थीसिया मशीन पूरा रेडी करेंगे, गैस रेडी करेंगे, जो जो उसमें गैस लगता है वो रेडी करेंगे, मेडिसिन के लिए आप, उसने पूछा कि मेडिसिन क्या क्या यूज करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे पेशेंट, ग्लाइको बोलेंगे, ग्लाइको यूज करते हैं सर, मिडाज भी यूज करते हैं, फेंटानिल यूज करते हैं, इसके बाद प्रोपोफोल यूज करते हैं, प्रोपोफोल के बाद क्या यूज होता है, स्कोलिन यूज होता है, स्कोलिन के बाद क्या यूज होता है, स्कोलिन यूज होने के बाद क्या करते हैं, ट्यूब डाल देते हैं पेशेंट को, स्कोलिन के बाद क्या होता है, ट्यूब पड़ जाता है, ट्यूब के बाद क्या होता है, इसके बाद मसल्स रिलैक्सेशन देते हैं, मसल्स रिलैक्सेशन में एट्राक्यूरियम हो गया, वैक्यूरोनियम हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें यूज हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, जब सर्जरी पूरा कंप्लीटेड हो जाएगा तो क्या करेंगे हम, मायोपायरोलेट आता है इंजेक्शन, रिवर्सल जिसको बोलते हैं, या नियोस्टिगमिन भी आता है उसके साथ में ग्लाइको इंक्लूड करके यूज करते हैं। तो इतनी सारी तैयारियां करनी होती है, ट्यूब को फिक्स करने के लिए जो स्टिकिंग काटना होता है उसको तैयारी करनी होती है, राइस ट्यूब तैयारी करनी होती है, सक्शन कैथेटर तैयारी करनी होती है, ये सारी चीज़ें आप बताओगे तो उसे समझ में आएगा कि हाँ चलिए कुछ जानकारी है इसके पास, ठीक है। इसके बाद पूछेगा स्पाइनल में क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती है, स्पाइनल में क्या होता है, आपका स्पाइनल ट्रे हो गया, स्पाइनल नीडल हो गया, एनाबिन हैवी हो गया, और आईवी फ्लूड, प्रॉपर आईवी फ्लूड रहना चाहिए वहाँ पे, ठीक है, बीटाडीन स्प्रिट, ये सब चीज़ें स्पाइनल में तैयारी करेंगे। इसके बाद स्पाइनल में कभी कभी क्वेश्चन करता है, स्पाइनल एनेस्थीसिया जब दिया जाता है तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट को बोला जाता है कि फास्ट फ्लूड दो, बहुत ज़्यादा फास्ट फ्लूड क्यों दिया जाता है उसमें, क्वेश्चन करेगा वो, आंसर आप दोगे कि स्पाइनल एनेस्थीसिया जो होता है उसमें आईवी फ्लूड फास्ट इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो उसमें डिस्ट्रोज होता है, जो उसमें हैवी जो होता है, एनाबिन हैवी जो होता है, बीपी वेकेन हैवी जो होता है, वो क्या करता है, बीपी बहुत ज़्यादा फॉल करता है, बीपी जो होता है उससे शट डाउन होता है, नीचे गिरता बहुत होता है, इसलिए क्या करते हैं आईवी फ्लूड को हम बहुत फास्ट देते हैं, कम से कम उसको 2 से 3, 3 फ्लूड कम से कम उसे फास्ट दिया जाता है ताकि उसका बीपी फॉल ना हो,
अगर बीपी फॉल हो जाएगा तो पेशेंट को दिक्कत होगा, ठीक है। इसलिए सबसे ज़्यादा स्पाइनल में क्या ध्यान दिया जाता है कि उसका बीपी फॉल होता है। बीपी फॉल होता है तो क्या करते हैं, इसलिए फास्ट फ्लूड हम देते हैं, सबसे ज़्यादा आईवी फ्लूड फास्ट दिया जाता है स्पाइनल में, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन आपको करेगा जीए में, कभी कभी क्वेश्चन करेगा, डिफ़िकल्ट इंक्यूबेशन क्या है। डिफ़िकल्ट इंक्यूबेशन क्या है, डिफ़िकल्ट इंक्यूबेशन का मतलब क्या है, जो इंक्यूबेशन करते हैं, जो ट्यूब मुंह से डालते हैं, ट्यूब डालते हैं, ट्यूब डालते हैं, उसमें क्या होता है कि आपका जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया कोलेप्स हो जाता है। ट्रेकिया उस टाइम में दिखता नहीं है, ट्रेकिया नहीं दिखता है, बहुत कम दिखता है। तो क्या करते हैं हम, डिफ़िकल्ट इंक्यूबेशन उसी टाइम में नहीं दिखेगा तो आप ट्यूब डाल नहीं पाओगे, तो उस टाइम में क्या होता है, हमें भूजी का सहारा लेना पड़ता है। भूजी आता है, आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा, या जिसने देखा होगा चलो अच्छी बात है, भूजी आता है। भूजी क्या करते हैं, सबसे पहले भूजी को हम इंसर्ट कर देते हैं अंदर, ठीक है। भूजी बहुत पतला से आता है, जैसे राइस ट्यूब आता है उस तरीके से भूजी थोड़ा हार्ड होता है, उससे क्या करते हैं हम ट्रेकिया में डाल देते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं ट्यूब चढ़ा के हम ट्यूब को डाल देते हैं, ठीक है। डिफ़िकल्ट इंक्यूबेशन में क्या करता है, भूजी का सबसे ज़्यादा रोल होता है। डिफ़िकल्ट इंक्यूबेशन में कभी कभी क्वेश्चन करता है, डिफ़िकल्ट इंक्यूबेशन में क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, भूजी, ठीक है। ये चीज़ हो गया। और क्वेश्चन और भी कर सकता है आपके साथ जीए में, जैसे ट्यूब बोलेगा, ट्यूब कितने टाइप की होती है, ट्यूब कौन कौन सी ट्यूब आपने देखा हुआ है, ठीक है। एक तो ईटी ट्यूब हो गया जो, ठीक है, और दूसरा एक फ्लेक्सो मेटेलिक ट्यूब होती है, जो क्या होता है पूरा ये मुड़ता है, पूरा फ्लेक्सिबल होता है, पूरा मुड़ता है। वो कब हम यूज करते हैं, जैसे न्यूरो का केस हो गया, पेशेंट प्रोन पोजिशन में है, उल्टा लेटाना है पेशेंट को, तो आप नॉर्मल जो ट्यूब यूज करोगे वो मुड़ेगी, मुड़ जाएगी तो क्या होगा, बैंड हो जाएगा तो क्या होगा, वो गैस अंदर नहीं जाएगी, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, फ्लेक्सो मेटेलिक ट्यूब यूज किया जाता है। फ्लेक्सो मेटेलिक जो होती है वो आराम से, मतलब फ्लेक्सिबल होती है, पूरा मुड़। इसके बाद क्वेश्चन करता है, ट्यूब का हो गया, स्पाइनल हो गया, जीए हो गया, इसके बाद क्वेश्चन क्या करेगा आपको कि मेडिसिन जो होता है जीए में, जो मेडिसिन होता है उसका डोजेज होता है। जैसे प्रोपोफोल हो गया, कितना एमजी होता है प्रोपोफोल, प्रोपोफोल का जो वाइल आता है वो टोटल कितना एमजी होता है, और पर एमएल कितना एमजी होता है प्रोपोफोल, और क्या होता है उसमें पर केजी वेट के हिसाब से इंजेक्शन, हर जो मेडिसिन जो होता है जीए की, जो जितनी भी एनेस्थीसिया मेडिसिन होती है वो क्या होता है कि पर केजी वेट के हिसाब से दिया जाता है। जैसे हमें प्रोपोफोल देना है तो प्रोपोफोल क्या करते हैं, पर केजी वेट के हिसाब से देते हैं। पेशेंट 50 केजी का है, 50 केजी का है तो हम प्रोपोफोल कितना देंगे पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों ये तैयारी करके जाइएगा, देख लीजिएगा प्रोपोफोल कितना एमजी पर केजी के हिसाब से दिया जाता है। जो प्रोपोफोल होता है 2 से 2 एमजी से लेके 4 एमजी तक क्या किया जाता है, पर केजी वेट के हिसाब से दिया जाता है, ठीक है। ये पूछेगा, स्कोलिन पूछेगा पर केजी वेट कितना दिया जाता है, फेंटानिल पूछेगा पर केजी वेट कितना दिया जाता है, वेकुरनियम जो यूज करते हैं वो पर केजी वेट कितना दिया जाता है, एट्राक्यूरियम जो होता है वो पर केजी वेट कितना दिया जाता है, ठीक है। और जितनी भी मेडिसिन आपको एनेस्थीसिया में होगी उसको सारे को अच्छे से याद करके जाना होगा आपको, कि वेकुरनियम में कितना एमजी पर एमएल कितना एमजी होता है, ठीक है, एट्राक्यूरियम पर एमजी कितना एमएल होता है, स्कोलिन जो होता है पर एमजी मतलब पर एमएल में 1 एमएल में कितना एमजी होता है, फेंटानिल जो 1 एमएल में कितना एमजी होता है, 2 में कितना हो जाएगा। ये एमजी का क्वेश्चन ही आपको सबसे ज़्यादा परेशान करता है जो इंटरव्यू में होता है। इसलिए जो पर केजी वेट के हिसाब से जो डोज दिया जाता है इसमें, वो अगर आपको एनेस्थीसिया साइड को खड़ा करेगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये इस पेशेंट का वेट इतना है और इसमें हम कितना मेडिसिन दे सकते हैं, ठीक है। तो पर केजी वेट अगर आपको याद रहेगा तो आप आराम से उसको कर सकते हैं। जीए का हो गया, स्पाइनल का हो गया, इसके बाद क्या करेगा, थर्ड क्वेश्चन किस पे आएगा आपका, सर्जरीज पे आ जाएगा, ठीक है, सर्जरीज में आ जाएगा। दोस्तों जो कभी कभी क्वेश्चन जो पूछता है, जो आपका इस कैनूला लगता है, कैनूला के ऊपर भी क्वेश्चन करता है। क्यों क्वेश्चन करता है, कि आपको पता होना चाहिए कि ओटी लेना है, ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को लेना है, या ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट आया है तो उसे कौन नंबर का कैनूला चलना चाहिए। क्यों, क्योंकि क्या होगा, कैनूला से उस टाइम हमें इमीडिएटली तुरंत मेडिसिन देना होता है, क्विक मेडिसिन देना होता है, आईवी फ्लूड ज़्यादा से ज़्यादा देना होता है, सब चीज़ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा देना होता है, तुरंत देना होता है। इसलिए क्या होता है, उसमें हमेशा आपको 20 नंबर 18 नंबर ठीक है 16 नंबर इस तरीके का कैनूला डालते हैं। इसके बाद आपका पूछेगा कि 18 नंबर का जो कैनूला होता है उसमें
पर ml, उसमें क्या क्वेश्चन पूछेगा कि 18 नंबर के कैनुला में 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना फ्लूड डाल सकते हैं उसमें, ठीक है। तो वो सब में हर कैनुला में फ्लो लिखा होता है, ठीक है। 18 गेज का जो कैनुला होता है, 18 गेज का जो कैनुला होता है उसमें कितना, जैसे होता है उसमें कि 61 शायद होता है, 61 होता है, 61 ml पर मिनट के हिसाब से। मतलब कि हर कैनुला में अगर अलग अलग लिखा होता है। मैं कैनुला के बारे में भी वीडियो बनाया हूँ, कैनुला के बारे में ही मेरे यूट्यूब पे जाके आप लोग उसमें देखिएगा कि कैनुला के बारे में ही मैं वीडियो बनाया हूँ, किस कैनुला में कितना ml जो फ्लूड दोगे और कितना मिनट में पूरा फ्लूड ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अभी कैनुला में क्या होता है कि जो 1 मिनट में कितना फ्लूड जाएगा, कितना ml, 1 मिनट में कितना ml फ्लूड जाएगा, उसके रिगार्डिंग में मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बनाया हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इसके रिगार्डिंग में आपको कुछ क्वेश्चन करेगा वो कि 18 गेज का जो कैनुला होता है उसमें क्या होता है कि कितना ml पर मिनट के हिसाब से हम फ्लूड दे सकते हैं। 16 ml, 16 गेज का जो कैनुला होता है उसमें कितना ml प्रति मिनट में हम IV फ्लूड दे सकते हैं, उस रिगार्डिंग क्या करेगा, उस पर भी क्वेश्चन करेगा। और क्वेश्चन आता है कि सर्जरीज पे आएगा, सर्जरी पे आएगा। और अभी एक क्वेश्चन और एनेस्थीसिया साइड में आपको पूछेगा कि कभी कभी क्या होता है, पूछेगा वो कि जो स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है, स्पाइनल जो एनेस्थीसिया है उसका पोजीशन क्या क्या पोजीशन होती है। सबसे पहले पोजीशन आपको पता है कि ये क्या होता है कि सिटिंग पोजीशन होता है, बिठा के क्या करते हैं, बिठा के उसके हाथ को पूरा वो करते हैं, सिटिंग पोजीशन बोलते हैं उसको। सिटिंग पोजीशन बता दोगे इतना बहुत है। सिटिंग पोजीशन एक होता है, एक पेशेंट का लेटरल पोजीशन होता है, वो टेबल पे लेटा रहता है, उसको लेटरल कर देते हैं और पूरा जो शरीर को क्या करते हैं गोल के आकार का उसको कर देते हैं ताकि उसके स्पाइन में स्पेस मिल जाए। ये दो पोजीशन क्या होता है कि जो स्पाइनल एनेस्थीसिया में दो पोजीशन दिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन, जब इतना तक आप पहुंच गए इसके बाद क्वेश्चन कभी कभी वो आपको फंसाने के लिए करता है कि मान के चले कि आप ओटी में हो और ओटी में आग लग गई, या पहले भी क्वेश्चन कर सकता है या बाद में भी क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए वो कर सकता है। कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चन ये करते हैं कि मान के चलिए कि आप ओटी में हो और ओटी में अचानक आग लग गई, आग लग गई तो उस टाइम में आप क्या करोगे, आपको पेशेंट वहीं रहेगा छोड़ के भाग जाओगे, या पेशेंट ऑक्सीजन पे है उसमें क्या करोगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जवाब देना है कि अगर उस टाइम में आग लग गई तो सबसे पहले क्या करेंगे, पेशेंट को अगर जाने लायक पेशेंट है तो पेशेंट को वो कर दोगे, मतलब कि स्ट्रेचर वगैरह मंगा के तुरंत निकाल दो, या नहीं उस कंडीशन में है तो क्या करोगे, आप जो वहाँ पे वर्कर है उसको बोलो फटाफट पानी ला के सीट गीला करे, पानी ला के सीट गीला करे, ठीक है। सीट गीला करके क्या करेगा वो उस पर जहाँ पे है वहाँ पे फेंक सकता है, वो वहाँ पे बंद हो जाएगा। दूसरा बात क्या है, सबसे पहले ध्यान जो देने वाली चीज़ है, ऑक्सीजन जो आता है, ऑक्सीजन जो उसको चल रहा होगा उस टाइम में तुरंत इमिडिएटली ऑक्सीजन को स्टॉप करना होगा। अगर उस टाइम में ऑक्सीजन को स्टॉप नहीं करोगे तो मान के चलो कहीं से लीक हो गया या जलने की वजह से कहीं हो गया, तो क्या करेगा उसमें तुरंत जैसे ऑक्सीजन उसके अंदर जा रही है तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन उसके ऑक्सीजन से पेशेंट के अंदर भी आग लग सकता है। इसलिए इमिडिएटली उस टाइम में क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बंद करेंगे अगर पेशेंट उस तरीके से है तो, हम एम्बू करके भी क्या करेंगे पेशेंट को थोड़ी देर तक हम क्या करेंगे आईसीयू में जहाँ होगा उस तरीके से हम शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बोलेगा क्वेश्चन करते फंसाने के लिए लोग कि रोटी में आग लग गई तो क्या करोगे, यही सब सारी चीज़ें आपके पास। अगर वहाँ पे फायर का सिलेंडर है तो फायर सिलेंडर यूज कर सकते हैं, अगर फायर का सिलेंडर इमीडिएटली आपको नहीं मिला तो कम से कम सीट जो है, सीट जो है उसको गीला करके आप उस पर फेंक सकते हो, ठीक है। नहीं तो वैसे भी उसी तरीके से अगर सीट है तो उस तरीके से भी सीट को आप दो चार सीट से दबा सकते हो, ठीक है। ऑक्सीजन बंद कर दो प्लांट से, वहाँ से ऑक्सीजन इमीडिएटली बंद कर दो, पेशेंट को वहाँ से वो कर दो, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग डीपली थोड़ा से समझ लीजिएगा कि हाँ ओटी में क्या होता है कि अगर आग लग जाए तो हम क्या करना चाहिए, और भी कई जानकारियाँ आप लोग देख लीजिएगा उसको, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन हो गया, इसके बाद क्या करेगा, सर्जरी से कुछ क्वेश्चन आपको करेगा। सर्जरी से क्वेश्चन ये करेगा कि ऑर्थोपेडिक से ज़्यादा क्वेश्चन करता है, जनरल से तो उतना ज़्यादा नहीं करेगा। जनरल से आपको मान के चलो पूछेगा कि हाँ जनरल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आता है, ठीक है। अगर लेप्रोस्कोपी आपने देखा हुआ है तो लेप्रोस्कोपी में कौन सा गैस यूज होता है, एनेस्थीसिया जो मशीन होता है उसमें कौन कौन सा गैस होता यूज होता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ों के बारे में पूछेगा। और इसके बाद क्वेश्चन आपको करेगा ऑर्थोपेडिक से कि जो अगर किसी का हमें हिप रिप्लेसमेंट करना है, हिप रिप्लेसमेंट करना है तो पोजीशन कौन सी होगी उसकी, ठीक है।
और अगर किडनी किसी का हमें वो मान के चलो कि यूरोलॉजी सर्जरी करनी है, किसी का हिस्टेक्टमी करना है, कौन सा पोजीशन होगा, एलएसीएस करना है कौन सा पोजीशन होगा, ठीक है, किसी का डीएनसी करना है कौन सा पोजीशन होगा, इस क्या नाम है, और आपका मान के चलिए कि हेमरॉयड्स करना है, पाइल्स की सर्जरी करना है तो कौन सा पोजीशन होगा, ये सारी पोजीशन के बारे में भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्या है कि जो टूर्निकेट होता है ऑर्थोपेडिक में, सबसे ज़्यादा टूर्निकेट वालों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है टेक्नीशियन को, कि जो टूर्निकेट बांधते हैं, जैसे मान चलो कि उसका टिबिया का सर्जरी है, ठीक है, टिबिया का सर्जरी है तो मैं फीमर पे क्या करना है, टूर्निकेट बांधना है, टूर्निकेट बांधना तो हमें कितना प्रेशर देना है, कितना प्रेशर देना है कि टूर्निकेट में, टूर्निकेट में हमें कितना प्रेशर देना हो क्वेश्चन करेगा। तो एक तो आइडिया आप लोगों को ये है, एक तो ये बता सकते हैं कि जो बीपी जैसे हो, पहले हम बीपी देखेंगे, उसके बीपी के रिगार्डिंग हम थोड़ा सा उसको मान के चले, अगर 120 उसका बीपी है या 110 बीपी है तो हम क्या करेंगे, 130 तक प्रेशर दे देंगे उसको, 120 का प्रेशर है उसका, 120 का प्रेशर है तो अगर हम 30 का प्रेशर दे देंगे तो उसका क्या करेगा, थोड़ी देर के लिए ब्लड वहाँ से क्या होगा कि ब्लड बंद हो जाएगा उसका, जो ब्लड का फ्लो है वो नीचे से नहीं आएगा, ऊपर तक रहेगा अपना, ठीक है। अगर 140 उसका भी बीपी है तो क्या करेंगे, 140 अगर उसका बीपी है तो हम थोड़ा सा और बढ़ा के हम टूर्निकेट में रखेंगे, ठीक है। उसी तरीके से आप बताओगे तो आपको समझ जाएगा कि हाँ ये कुछ ना कुछ मतलब किसको नॉलेज है, ठीक है दोस्तों। और क्या बच रहा है आपको, ठीक है दोस्तों, यही विशेष आपको क्या नाम है इंटरव्यू के बारे, इंटरव्यू में आपको यही सारा क्वेश्चन आपको पूछेगा दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा, और चैनल अगर आपको विजिट करना है तो आप पैरामेडिकल टिप्स गौतम करके जाएंगे, उस पर आपको सारी वीडियो जो है आपको मिल जाएंगी, और चैनल अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।